लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे क्या डिलीवरी के बाद बवासीर होना नॉर्मल है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। माँ बनने का सुख महिलाओं के लिए बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसी खुशी के बीच कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी महिलाओं को परेशान करती हैं। इसी में से एक है पाइल्स की समस्या। डिलीवरी के बाद महिलाओं को ये दिक्कत क्यों होती है और इसके लक्षण क्या होते हैं, साथ ही इससे कैसे बचा जाए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्या है पाइल्स की समस्या? सबसे पहले जानें पाइल्स की समस्या क्या होती है। वैसे तो ये दिक्कत कई कारणों से स्त्री और पुरुष दोनों को होती है, लेकिन गर्भवती महिलाओं को इस समस्या का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। असल में पाइल्स को सामान्य भाषा में बवासीर कहा जाता है। ये समस्या मलाशय या फिर गुदा यानी एनस के इर्द गिर्द की नसों में सूजन के रूप में सामने आती है। ये सूजन गांठ जैसी समस्याएं महसूस होती हैं। पाइल्स दो तरह की होती है, एक इंटरनल और दूसरी एक्सटर्नल। इंटरनल पाइल्स गुदा के अंदर होती है, वहीं एक्सटर्नल पाइल्स एनस के बाहर होती है। अंदरूनी यानी इंटरनल पाइल्स में मल के साथ खून आता है, लेकिन इससे इसमें दर्द कम होता है। वहीं बाहरी पाइल्स यानी एक्सटर्नल पाइल्स में दर्द ज़्यादा होता है और सूजन, जलन, खुजली जैसी दिक्कतें होती हैं। इसमें व्यक्ति काफ़ी असहजता महसूस करता है। क्या डिलीवरी के बाद बवासीर होना नॉर्मल है? डिलीवरी से पहले और खासकर बाद में पाइल्स होना एक सामान्य बात है। इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार होते हैं। जैसे डिलीवरी के दौरान महिलाओं का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे पेल्विक एरिया में काफ़ी दबाव पड़ता है। ऐसा होने पर निचले हिस्से की नसों में असर पड़ता है। इसके कारण पाइल्स की समस्या हो सकती है। डिलीवरी से पहले महिलाओं को काफ़ी कब्ज की दिक्कत भी होती है, इस कारण मल त्यागने में जोर लगाना पड़ता है। इस कारण भी पाइल्स की समस्या होती है। तनाव के कारण भी कई बार महिलाओं को पाइल्स की समस्या देखी गई है। कुछ महिलाएं गर्भावस्था में कम सक्रिय रहती हैं, बहुत ही कम फिजिकल एक्टिविटी रहती है, इसके कारण उन्हें पाचन ठीक नहीं रहता है, जिससे समस्या बनी रहती है और उन्हें इस कारण पाइल्स की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। डिलीवरी के बाद कैसे करें बवासीर का उपचार? ऐसा नहीं है कि इस पाइल्स की समस्या का कोई इलाज नहीं है। पहले तो ये डिलीवरी के कुछ दिनों बाद खुद ही ठीक हो जाती है। अगर ये समस्या ठीक ना हो तो महिलाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपनी डाइट में फाइबर बढ़ा देना चाहिए, फल, सब्जी और दलिया जैसे आहार ज़्यादा खाने चाहिए, साथ ही पानी की काफ़ी मात्रा में पीना चाहिए। जब महिलाएं पानी की कमी शरीर में नहीं होने देंगी तो ये कब्ज की समस्या से बच जाएंगी और ऐसा होने पर उन्हें पाइल्स की दिक्कत से छुटकारा मिल सकता है। डिलीवरी के बाद महिलाओं को अपनी शारीरिक गतिविधियां भी बढ़ानी चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, चाहे वो आधा घंटा का ही करें लेकिन करना जरूरी है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब महिलाएं मल त्यागें तो बहुत अधिक जोर ना लगाएं, खुद को समय पर मल त्याग करें, शांति से करें। ऐसा करने से पाइल्स की समस्या अधिक नहीं बढ़ेगी और कुछ समय बाद ठीक हो जाएगी। डिलीवरी के बाद बवासीर के लिए कब जाएं डॉक्टर के पास? अगर तमाम उपायों के बावजूद पाइल्स की समस्या डिलीवरी के बाद कई महीनों तक ठीक नहीं हो तो आपको डॉक्टर को बात करना चाहिए। वह आपको दवाओं के माध्यम से इलाज करेंगे, आपको इस समस्या से निजात दिलाने में पूरी मदद करेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा अवश्य बताएं। धन्यवाद।